बीजेपी सरकार में सारे चोर बैठे हुए हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? विकास एक विकास वहाँ रहता था, विकास ही हो गया, वही और क्या विकास हो गया। 2024 में बीजेपी की सरकार आई, इस भारत में बेटियां नहीं बचेंगी। लेकिन मोदी जी को सोच समझ के काम करना चाहिए। आपको सुरक्षित नहीं लगता? नहीं, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में अत्याचार प्रत्याचार होता चला जा रहा है। रेप थोड़ी हुआ, ये तो रेप के संग जिन्हें क्या क्या हुआ है ये तो मैं बता भी नहीं सकता आपका। जनता कहती है कि आएगा तुम मोदी, ये अंधभक्त कहते हैं। हाँ। अंधभक्त कहते हैं। सरकार अच्छी है? गलत नहीं, सरकार अच्छी नहीं। खुश भी है? सरकार अच्छी नहीं है? नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसको लेकर देश भर में आक्रोश है। पब्लिक, जनता जो है वो सरकार से जवाब मांग रही है और सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है, मौन व्रत धारण किए हुए है, सरकार बोलने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर आए दिन लगातार जो है धरना किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम जो है देखो अपना हक पार्टी, हाँ, मुरादाबाद ठाकुर द्वारे से आए हैं। हमें जो है जो मणिपुर में जो घटना हुई है ये, इसके बारे में हमने धरना दिया है। हमारे राष्ट्रीय जगजीत विजय यादव जी इसको लेकर चले हैं और जनता उनके साथ है। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारे की बहुत बड़ी जनता उनके साथ है, तो सारी जनता जो है मुरादाबाद ठाकुर द्वारे की आई हुई है। इसका जो है विरोध करते रहेंगे और करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय यादव जी अपना वो हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम उनके साथ हैं और इसका हम जो है विरोध करते रहेंगे और हम जो है मतलब जो है हर जगह विरोध करेंगे इसका। ये बहुत बड़ा घटना हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक एक को चुन चुन कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तो ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं बख्शा जाएगा तो हम जो जब तक उन्हें उन पर कार्रवाई नहीं होगी हम बिल्कुल जो है धरना लगाते रहेंगे। मुरादाबाद भी लगाएंगे, ठाकुर द्वारे भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, हर जगह धरना लगाते रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल आगे रहेंगे, हम जनता उनके साथ रहेगी, लाखों में हजारों में बहुत बड़ी उनके साथ जनता है। और बिल्कुल जब तक कोई हमें सरकार से सवाल पूछा गया तो स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला पड़ी बिल्कुल कि आपको अगर हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ डिस्कस कीजिए, हिम्मत है तो राजस्थान डिस्कस कीजिए, मणिपुर से कंपेयर कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल जी, अगर मान लो हम हक पे हैं, अब वो हक नहीं मिलेगा तो हम करते रहेंगे बिल्कुल। इसके अलावा कुछ कहती नहीं है, यही कहती जहाँ कांग्रेस की नहीं, हम जो है इसके अगर उसका हक अगर मतलब जो है नहीं दिया जाएगा तो हम उनके खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहेंगे और बिल्कुल जो है जब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हम बराबर बोलते रहेंगे और बराबर हम जो है मतलब ये पूरा जो है मुरादाबाद उसमें बराबर ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्मृति ईरानी को तो बोलना ही है, जहाँ दूसरी सरकार होगी उनके खिलाफ बोलना। भाई तुम अपना देखो, तुम दूसरे का क्यों देख रहे हो? अरे वो ऐसा हो गया और वो ऐसा हो गया, तुम अपना देखो यहाँ क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि खाली हमारे राज्य में थोड़ी हुआ है, बाकियों के राज्य में हुआ है ऐसा। ऐसा नहीं हुआ, इतना जघन्य कहीं नहीं हुआ, ये इतना जघन्य कहीं नहीं हुआ जैसा यहाँ हुआ है। बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं बाकी राज्यों में, उससे कंपेयर कर रही हैं। रेप थोड़ी हुआ, ये तो रेप के संग जिन्हें क्या क्या हुआ है ये तो मैं बता भी नहीं सकता आपका। ये तो बता भी नहीं सकते आपको, ये तो बता भी नहीं सकते हम आपको, बता भी नहीं सकते। कितना बड़ा जुल्म है ये, कितनी बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। कहीं ना हो ये और कहीं मतलब यही ये घटना मतलब क्यों हुई है और इसका कोई आज तक सुनिए कितना टाइम हो गया कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, क्या सरकार ने देखा नहीं क्या रिजल्ट हुआ? ये अपने नारे लिखे हैं, बहनों हम शर्मिंदा हैं, दुराचारी अभी भी जिंदा है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बिल्कुल बिल्कुल, हम नारे ही लगाते रहेंगे, उनको फांसी दो, उनको सजा दो, 90 दिन में सजा दो। बिल्कुल 90 दिन में सजा दो, जब तक सजा नहीं देंगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे और इसका भाषण हम हर जगह देंगे और बोलेंगे और धड़ाके से बोलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका क्या लगता है, सरकार सुनेगी आपके प्रदर्शन से आपकी? क्योंकि सरकार जो है बेटियों का, जो पहलवानों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, देश भर से लोग आए सपोर्ट करने के लिए, सरकार ने नहीं सुना? देखिए सरकार नहीं है तो हम सरकार के खिलाफ भी बोलते रहेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे सरकार के खिलाफ, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। अगर सरकार इसका निर्णय देंगी तो हम भी मान देंगे सरकार में हक है, सरकार में इसमें हक ही नहीं लग रहा, हमें कुछ दिया ही नहीं है सरकार ने हक, अभी तक इतने दिन क्यों नहीं हक दिया, क्यों नहीं लोगों की सुनी, क्यों नहीं की उनके साथ, कितनी बड़ी घटना नहीं सुन सके तो कब सुनेंगे वो लोग? जनता कह रही है आएगा तो मोदी ही। देखिए मेरी बात सुने, ये टाइम वक्त बताएगा
अगर ये घटना का इन्होंने नहीं दिया तो इन्हें ये भी लग जाएगा पता, अगर ये नहीं लगे पता देख लो, ये अगर इन्होंने नहीं दिया तो बहुत बड़ा घटना होगी। नहीं क्या कहेंगे, जनता कहती कि आएगा तुम मोदी, अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं हमारे साथ चलो हम कलवा में, ये तो अंधभक्त हैं, जगह जगह हैं वो कहते हैं। ये रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा, ये हम बता रहे हैं रिजल्ट अभी आ जाएगा, जल्दी आने वाला है। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप क्या कहेंगे, जामा मस्जिद जाने पर जो है मुसलमान कहते हैं कि हमें मोदी ही चाहिए, मोदी के राज्य में मुसलमान सुरक्षित है? नहीं ऐसा नहीं है, मोदी के राज्य में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित तो मुसलमान है क्योंकि उनका देश है, सारी चीजें हैं, हक इनका भी बराबर है, लेकिन मोदी जी को सोच समझ के काम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और ये जो अंधभक्त हैं ये कहते हैं कि मोदी ही आएंगे, ऐसा नहीं है, ये जनता के हाथ में वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि जब चाहे जिसे गिरा सकती है, जिसे चाहे बना सकती है। नहीं इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी, इतनी बड़ी घटना पर जब नहीं एक्शन ले रहे तो कब लेंगे बताइए? नहीं इतनी बड़ी घटना पर जब नहीं ले पा रहे वो तो फिर कब लेंगे, इससे बड़ी घटना है कोई, आप बताइए। वो कहते तो है कि बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित सरकार यही है। हाँ सुरक्षित सरकार तो क्या ऐसा हो रहा उनकी, क्यों हुआ उनकी सरकार में, उन्हें फांसी दे दो, उन्हें फांसी दो, उन्हें सजा दो, कैदी से कैदी सजा दो, सब आदमी इसका विरोध जब तक नहीं करेंगे विरोध ही रहेगा उनका सरकार का, आने टाइम में उन्हें पता भी लग जाएगा अगर इन्होंने इसमें नहीं सुनी तो। हम लोग इसी का धरना देते रहेंगे और करीबन इसमें हम इसी के बावजूद हम खिलाफ बोलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जय हिंद जय भारत। आने वाले समय में आप कहते हैं कि सरकार को गिरा देंगे, मोदी सरकार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो तीसरी सरकार अगर आई तो भारत का जीडीपी सबसे ऊंचा होगा, भारत सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश होगा। देखिए ये तो वक्त बताएगा, टाइम की गारंटी दे रहे हैं। नहीं 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 ये वक्त बताएगा, हम गारंटी तो बहुत लेते ही हैं, आपका आपका उन्हें पता लग जाएगा, आपका गारंटी ले आपका नहीं, आपका नहीं। क्या बोल रहे हैं आप, 15-15 लाख रुपए भी डाल लेते खाते में, कहाँ डाले, राशन दिया, घर मकान दिया गरीबों को, राशन हमने तो ना लिया कभी, हम देते तो है 5 किलो राशन सबको, देते होंगे हमने नहीं देते, आपको नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता इसीलिए गुस्सा है? ना ना हम लेते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए भी, क्यों नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, भीख लगता है आपको? नहीं वो जनता की भलाई के लिए भोजन दे रहे हैं, भलाई के लिए नहीं है, सब अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें क्या भलाई है उनकी? खत्म, अरे ये जनता वोट कर देती, जनता वोट करती, ये राशन मिल गया वोट करती, इसीलिए करते वोट के लिए, वोट के लिए इसे बंद कर दें। आयुष्मान योजना दिया, बीमार होने पर जो है इलाज की गारंटी देते हैं। हाँ हाँ तो वो उन्हीं के बन रहे हैं जिनके उनके, आप तो ऐसे अगर सरकार सुविधा दे रही है तो बोल रहे हैं कि वोट के लिए दे रही है, नहीं देंगे तो गुस्सा जाएंगे, वो सभी देंगे, जो भी आएगा वो भी देगा, जो आएगा वो भी देगा, कोई यही नहीं दे रहे अपने घर से, नहीं दे रहे। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से चाहे शांति बनाओ, कहीं दूसरी घटना ना हो ऐसी, कहीं दूसरी जगह ये घटना ना हो। कहते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित इसी हमारे ही सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित, रोज पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज टीवी पर आ रहा है, रोज टीवी पर आ रहा है। आपको सुरक्षित नहीं लगता? नहीं। क्यों, क्या क्या अशांति है बताइए? जहाँ तक गुंडे भागे फिर रहे हैं, गुंडे परेशान कर रहे हैं। हाँ योगी जी कहते हैं कि गुंडे मवालियों को साफ कर दिया उत्तर प्रदेश से। हाँ पैसों को कर दिया क्या उन्होंने, तो एक कास्ट को कर दिया, ऐसे गुंडे नहीं है वो, गाँव गाँव घूम रहे हैं, आप देखते नहीं है बुलडोजर से तुरंत एक्शन होता है? बुलडोजर वही चलता मैडम, वही चलता बुलडोजर एक ही पक्ष में, बुलडोजर किस पक्ष, मुस्लिम पक्ष ना बताइए ना, मुस्लिम पक्ष पे, मुस्लिम पक्ष पे चलता, बाकियों पे नहीं चलता, हिंदुओं में नहीं है क्या इनकी पार्टी? प्रदेश में चला ना परवेश शुक्ला पर, किस पे परवेश शुक्ला, परवेश शुक्ला पे चला, ठीक चला, बढ़िया चला, चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस बात से खुश है? हाँ इससे खुश है, होना चाहिए, सरकार अच्छी है, गलत नहीं, सरकार अच्छी नहीं, खुश भी है, सरकार अच्छी नहीं है? नहीं क्यों, सरकार बस एक वर्ग के लिए,
मैं तो सरकार ने क्या काम कर दिया क्या 9 साल बेमिसाल है विकास कर दिया क्या क्या कोई विकास नहीं हो रहा है कौन सा विकास हो रहा है विकास एक विकास वहाँ रहता था विकास ही हो गया वही और क्या विकास हो गया कोई विकास हो रहा है मणिपुर में देखो कितना बढ़िया विकास कर रहा है हर जगह विकास दिख रहा है मणिपुरम में विकास दिख रहा है जिसके बेटी नहीं होगी वो बेटी की क्या इज्जत करेगा हमारे प्रधानमंत्री ने तो खुद ही अपनी बीवी छोड़ दी वो अपनी एक बेटी होती है रोड पे छोड़ के देखते उसके देशभक्ति के लिए परिवार त्याग दिया देशभक्ति के लिए यही तो देशभक्ति है मणिपुरम जल रहा है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है चाहे दिल्ली हो या मणिपुरम हो उत्तर प्रदेश हो ये देश त्याग है उन्होंने देश ये आपकी बात सही है देश त्याग दिया है क्योंकि देश से छोड़ के विदेशों की यात्रा कर रहे हैं देशभक्ति के लिए विदेशों में घूम रहे हैं लाखों में डंका बजा रहे हैं हाँ डंका बजा रहे हैं लाखों का चश्मा सूट बूट पहन के घूम रहे हैं देश में महन बेटियों की इज्जत लूट रही है अत्याचार हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया है लेकिन नारा पता है क्या है बेटी उठाओ बेटी घुराओ ये बीजेपी का नारा है जिसके बेटी नहीं होगी वो बेटी की क्या सम्मान करेगा बीजेपी सरकार ने हमेशा चाहे मंत्री हो नेता हो बीजेपी सरकार के जो भी पार्टी के स्मृति ईरानी की बेटी तो है ना स्मृति ईरानी की बेटी आवाज क्यों नहीं उठा रही है मणिपुरम में क्यों नहीं जा रही है उससे पहले सिलेंडर लेके बैठ जाती थी रोड पे आज क्यों नहीं उठा रही है स्मृति ईरानी आज क्यों नहीं आवाज उठा रही है ये एक कहावत है बीजेपी सरकार में सारे नेता चोर चोर मोशते भाई तो बीजेपी सरकार में सारे चोर बैठे हुए हैं इसलिए आवाज नहीं उठा सकते उनकी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ होता तो वो शांत बैठते आप बताइए जब हमारी आपकी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है अभी कुछ नहीं बोल रहे आते हैं कि देश जल रहा है प्रधानमंत्री कहा है कि एक एक को चुन चुन कर कार्रवाई की जाएगी बख्शा नहीं जाएगा किसी को आज 80-85 दिन हो गए अभी तक तो किसी को कोई कार्रवाई हुई नहीं खुलेआम घूम रहे हैं वो अरेस्ट हुए नहीं है इस बारे में आप बताइए क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जहां आपको मणिपुरम होना चाहिए था विदेशों में 2024 में बीजेपी की सरकार आई इस भारत में बेटियां नहीं बचेंगी बेटियां ही नहीं बचेंगी बीजेपी के नेता उनको खा जाएंगे कहते हैं कि बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है बीजेपी सुरक्षित सरकार आप मणिपुरम में देखिए आप उत्तर प्रदेश में देखिए आप दिल्ली में राबिया सेफी देखिए क्या कर रही है बीजेपी सरकार आप बताइए योगी जी तो कहते हैं कि बेटियां अगर सोने से लदकर बाहर निकले कोई नहीं छुएगा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी देखिए पुलिस में जो लड़कियां हैं वो सुसाइड कर रही है उनके साथ शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं आपने देखा हो अभी कई लड़कियों ने सुसाइड किया पुलिस वाली लड़कियों ने सुसाइड किया है आप बताइए कहाँ पर सुरक्षित उत्तर प्रदेश है जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है जिस प्रदेश में उस प्रदेश में अत्याचार अत्याचार होता चला जा रहा है जनता कह रही है कि 2024 में आएगा मोदी ही जनता नहीं कह रहे वो दलाल मीडिया कह रही है जो दलाल मीडिया मोदी मीडिया कह रही है जनता नहीं कह रही है जनता तो परेशान है उनके क्या लगता है 24 में सत्ता बदलेगी 24 में परिवर्तन होगा कौन आएगा फिर वो जनता तय करेगी जनता तय करेगी 24 में कौन आएगा तो साफ तौर पर आपने सुना कि 2024 में है जनता सत्ता बदल कर रहेगी जनता ने तय कर लिया है बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे